आज पूरे दिन बस का ड्रामा चला। कांग्रेस ने बस चलाई, योगी सरकार ने मना कर दिया, फिर उसके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए और एट द एंड बस वापस चली गई। हमें पता है कि दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन मेरा ये पूछना था योगी जी से, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए लीडर, लेकिन आपने मुझे अभी डिसअपॉइंट किया सर। मान लीजिए 1,000 बसें थी, आपको नहीं चलानी थी, हम मना कर देते, आप पहले ही बोल देते कि हम आपकी बसें नहीं चला सकते, आप राजस्थान को दे दीजिए, महाराष्ट्र को दे दीजिए। सही बात थी, वो पॉलिटिक्स कर, मैं भी वो पॉलिटिक्स कर रहा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या 1,000 बसों में 10 बस भी चलाने लायक नहीं थी? 10 बस चला देते आप, 200-250 लोग चले जाते, आपको गरीबों का दर्द नहीं दिख रहा है? आपने तो उन्हें मौका ही दे दिया ना। क्या जितनी बसेस चल रही हैं आजकल सबके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं सर? पहले ही मना कर देते आप। सर आपने डिसअपॉइंट किया है, दोनों ने पॉलिटिक्स करी है, और जनता को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे ये सारे नेता जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनको क्या जवाब देना है। तो अब टाइम आ गया है कि बीजेपी कांग्रेस इन सबसे ऊपर उठो, अच्छा कैंडिडेट देखो, जो सही बंदा हो उसी को वोट दो, जाति पाति धर्म इन सब की राजनीति से ऊपर उठो। ये जो बस वाली घटना हुई है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दोनों पार्टियों ने पॉलिटिक्स करी, और ये समझ में आ रहा है कि मजदूरों की फिक्र किसी को नहीं है। तो ठीक है, जो मजदूर एक शहर खड़ा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर सकते हैं, वो खुद को और अपनी फैमिली को भी खड़ा कर सकते हैं। आज उनको ज़रूरत थी तो आपने उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है, वो खड़े हो जाएंगे। और मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आगे के इलेक्शंस आएँ उसमें जो घटनाएं घट रही हैं, उनके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं उनको याद रखें, और जो लोग उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं उनको भी याद रखें। जय हिंद।